तीन युवकों ने साजिश कर पप्पू पटवा की 6 अगस्त की रात 8:15 बजे हत्या कर दी थी। ऐसा करने वाले सन्नी वर्मा, हैप्पी वर्मा, दोनों पुत्र स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद वर्मा बुधन पूर्वा व सूरज वर्मा पुत्र लाली वर्मा धोबी घाट, तीनों थाना नगर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के 48 घंटे के अंदर पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन करते हुए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। सोमवार को पीसी के दौरान एसपी नीरज कुमार सिंह ने यह जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद तकनीकी के साथ मैं भी वहां पहुंचा। जांच के दौरान पता चला कि पप्पू पटवा का विवाद पड़ोस के ही सन्नी वर्मा के साथ था। सितंबर 2021 से ही दोनों में अनबन चल रही थी। एक दूसरे के साथ उनकी पहले भी झड़प हो चुकी थी। इसकी वजह से यह भी सन्नी की बुरी नज़र पप्पू की पत्नी पर थी। आए दिन विवाद हो जाता था। इसी को लेकर सन्नी ने अपने भाई हैप्पी की मदद से शूटर की तलाश करने लगा जिससे पप्पू की हत्या कराई जा सके, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला तो उसने स्वयं ही धोबी घाट के रहने वाले सूरज वर्मा के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल को उन लोगों ने शांति नगर पुल के पास फेंकने की बात कही है। उसकी तलाश की जा रही है। इस दौरान इस्तेमाल की गई बाइक व 4 फोन बरामद किए गए हैं। एसपी ने कहा कि इस अभियान में प्रशिक्षु डीएसपी अमरनाथ, राजेश मलाकार, रंजीत कुमार शाखा डीआईयू, दिनेश मलाकार थाना अध्यक्ष नगर, रंजीत कुमार व नगर थाने की टीम का मुख्य योगदान रहा। करीब 8:15 बजे बुजनपुरवा निवासी पप्पू पटवारी और पप्पू पटवा जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, इनकी हत्या सिंडिकेट मोड़ पे अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा कर दी गई थी। शुरू में इलाज के दरमियान ये काफ़ी गंभीर थे, ये कुछ घटना के संबंध में बात नहीं बता पाए। बाद में इलाज के दौरान ये पटना रेफर किए गए, रास्ते में इनकी मौत हो गई। इनकी पत्नी के द्वारा अज्ञात अपराध कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। जिस समय घटना घटित हुआ उस समय हमारे डीएल के जितने भी सदस्य थे, नगर थाना हमारे डीएसपी बक्सर और स्वयं हम, ये सभी लोगों ने घटना का सूक्ष्म रूप से हम लोगों ने उसका सर्वे किया, अध्ययन किया, तो उसी समय घटना के कुछ ना कुछ जगह की कड़ी हम लोग के सामने आ गई थी। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं कि अभी तक सुलझी हुई नहीं थी, जिसके कारण से कुछ पत्रकार बंधुओं के द्वारा कल भी और घटना के देर रात में भी हम लोगों से संपर्क किया गया, तो उन लोगों को हम लोगों ने पूरी बात को नहीं बताया था। अब जबकि हमारे डीआईओ के और हमारे डीएसपी प्रोबेशनर और डीएसपी टाउन के द्वारा इस पूरे मामला को सुलझा लिया गया है, मामला अभी तक ये सामने आया है कि इस घटनाक्रम में हैप्पी कुमार, सन्नी वर्मा और सूरज वर्मा ये लोग संलिप्त थे। इसमें सन्नी वर्मा जो उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं जो पप्पू पटवारी जिनकी हत्या की गई, उनके पत्नी के साथ इनके कुछ आत्मीय रिलेशन था, बातचीत का संबंध था, जो किसी कारण से पप्पू पटवारी को अच्छा नहीं लगता था। पीछे 2021 सितंबर में कुछ इस बात को लेकर इन लोगों के बीच में झड़प भी हुई थी। उसके बाद लगातार ये दोनों एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर लड़ाई झगड़ा करते थे और एक दूसरे को देख लेने की बात किया करते थे। अब इनके बीच में जो इनके दोस्त मंडली था, इस मित्र था, वो कहता था कि वो तुमको मारने के लिए किसी को सुपारी दे रहा है, इधर से कहता था कि वो तुमको मारने के लिए सुपारी दे रहा है। इसी क्रम में जो सूरज वर्मा है उनको हैप्पी कुमार और सन्नी वर्मा ने यहाँ तक कि हमें 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे, पप्पू पटवारी की हत्या कर दिया जाए, कोई सुपारी किलर अगर ऐसा पैसा लेके करता है तो बताओ हम लोगों को। बड़ा नाम पूछा था, ये सारा रोल